मुझे ना कभी कभी हंसने को आता है ये सोच के कि इन फ्यूचर अगर किसी बंगाली लड़के से मेरी शादी हो गई और उसको मराठी बिल्कुल भी नहीं आती, एंड सडनली आई एम स्पीकिंग इन मराठी विद समवन, उसका रिएक्शन क्या होगा? बात बात पे सबटाइटल पूछेगा। देखो मैं प्यार से बोल रही हूँ सबको, ठीक है, ऐसे अजीबो गरीब रिक्वेस्ट मत दिया करो कि आपकी मैम परेशान हो जाए। एक तो गर्मी ने आपकी मैम का दिमाग ख़राब कर दिया है, अभी आप लोगों के ऊट पटांग हरकतों से मैं परेशान हो रही हूँ। ठीक है, परेशान नहीं करना है, मैं प्यार से समझा रही हूँ, समझ जाओ। जो लोग 10th में गए हो, पढ़ाई करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई इज़ इम्पॉर्टेंट, पढ़ाई के बिना आप लोग कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये लैंग्वेज ही होता है जो एक इंसान को दूसरे इंसान से जोड़ता है, परिभाषा है ये एक दूसरे को समझने की। तो एक दूसरे को समझिए, अच्छे तरीके से रेस्पेक्ट करिए, सीखिए, आगे बढ़िए, नए नए चीज़ें करिए। मुझे पता है अभी मेरी टूटी फूटी मराठी सुनने के बाद बहुत सारे लोगों का बहुत कुछ आएगा, बट एक चीज़ ना मैं शेयर करना चाहती हूँ, लाइक मराठी लैंग्वेज इज़ सो स्वीट। लाइक अगर आप किसी को बोल देते हो ना कि जेवलास का, तो मैंने एक रील देखी थी एक्चुअली, तो वो बंदे को ऐसे मैसेज आता है जेवलास का, और वो सामने से बोलता है आई लव यू। तो वो मैंने मेरी फ्रेंड, जब हम लोग कॉलेज में भी थे ना, तो हम लोग उसको ऐसे ही चिढ़ाते थे कि जब तेरी शादी होगी ना हम बोलेंगे आहो आईका ना, आहो खाला का, और आओ, मतलब ऐसे ऐसे, मतलब हम चिढ़ाएंगे उसको। और जब मेरी फ्रेंड की शादी हुई और उसने ऐसे ना सामने से जब बोला ना आहो आईका ना, आई बोलो थे तिकड़ा नहीं, हाय चीजू का चेहरा कितनी स्वीटली ब्लश कर रहे थे सिर्फ ये एक वर्ड से। क्या बोले अभी? मैं तुम लोगों को ना एक और एक मूवी रेकमेंड करना चाहती हूँ जो अभी मेरे टीवी पे चालू है, सिर्फ तुम, बहुत ओल्ड मूवी है एक्चुअली, बट कॉन्सेप्ट आपको ओल्ड स्कूल लव, जिनको पसंद है ओल्ड स्कूल लव, उन लोगों के लिए ये मूवी बहुत अच्छी है, सिर्फ तुम। कभी यूट्यूब पे जाओ, सर्च करना, अगर पूरी मूवी मिले तो देखो। इट्स अ वेरी गुड लव स्टोरी, और ये ना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को दर्शाता है, और वो दोनों कितने लॉयल रहते हैं, एक दूसरे को देखा भी नहीं है, सिर्फ लेटर्स लेटर्स में बातें होती है, ठीक है, और फिर वो PCO वाले जो फ़ोन होते थे ना उसमें बात होती है, और दोनों इतने कमिटेड होते हैं एक दूसरे को बिना देखे ही, कि इसके पास अपॉर्चुनिटी है, अच्छी लड़की आके उसको प्रपोज कर रही है पर वो बोल रहा है नहीं मैं कमिटेड हूँ। इधर ये लड़की को भी बहुत अच्छे अच्छे लड़के आ रहे हैं पर ये भी बोल रही है नहीं मैं कमिटेड हूँ। ये जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाला लव है ना, ये मूवी में ना बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। वॉच इट।